यह आमेर का पन्ना मीना कुंड है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पानी के पहले के परंपरागत स्रोत हुआ करते थे। तब नीचे पानी है, ऊपर सीढ़ियों का जाल है वहाँ तक जाने के लिए। इस तरह की बावड़ियाँ आमेर में खूब सारी मिल जाएंगी। राजे महाराजों के ज़माने में जब अंदर पानी पहाड़ों से आते थे तो उसका एक चैनल बना हुआ था, उस चैनल के जरिए पानी इकट्ठा किया जाता था और ये सालों भर पानी चलते थे। चाहे कितनी भी भीषण गर्मी हो, पानी कभी कम नहीं होता था। लेकिन इस तरह के परंपरागत स्रोतों के खत्म होने की वजह से पानी का संकट हुआ है। इस बावड़ी को रिनोवेट करके यहाँ पर जो पानी के चैनल थे उन्हें पुनः जीवित किया गया है और इस तरह से पानी यहाँ पर आया है। अगर इस तरह के परंपरागत स्रोतों को ये पन्ना मीना कुंड की तरह जीवित किया जाए तो पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। बहुत सारी बावड़ियाँ हैं जहाँ जो कि काफ़ी ख़राब हालत में पड़ी हुई हैं। बहुत सारे सागर हैं, तालाब हैं, यहाँ पर मावठा है जिनकी खुदाई नहीं होती। खुदाई नहीं होने की वजह से वहाँ पानी नहीं है, जबकि ये एक बावड़ी है जहाँ पर खुदाई की गई तो पानी आया है। पन्ना मीणा कुंड राजाओं के समय के अंदर पीने के पानी का एक स्रोत हुआ करता था और पन्ना मीणा कुंड जैसी सात बावड़ियां आमेर के अंदर में बनी हुई है। सातों बावड़ियां पुरानी काल से पीने के पानी में और पानी के ठहराव के लिए व्यवस्थित रूप से एक व्यवस्था बनाई गई थी। पन्ना मीणा कुंड की जैसी व्यवस्था को पानी से भरने के लिए इस पहाड़ के बैक साइड में एक बहुत बड़ी झील है जिसका नाम है सागर। तो सागर जैसी झील के अंदर पानी का ठहराव होता था और उसी पानी से अंदर से रिस किए ये पानी इन जैसी बावड़ियों की पूर्ति करता था और इन जैसी बावड़ियाँ इस बाउंड्री के अंदर बसे जितने भी लोग हैं, जितने भी मकान हैं, उस मकान के लोगों को पानी की पूर्ति करता था। सब ये करीब 400 साल पुरानी बावड़ी है, इसको साफ़ सफाई भी होती है। अभी कल परसों भी साफ़ सफाई करी थी पुलिस वालों ने आके, और अक्सर इसमें पानी रहता ही है, कभी टूटता रहता है, कभी छटता रहता है, यही मेंटेन होता रहता है।